निराशा या डिप्रेशन बहुत कॉमन बीमारी है। आज हमारे देश में करीब करीब 5% लोग, मतलब 100 में से 5 लोग डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं। वैसा 15-20% लोगों को कुछ ना कुछ मानसिक समस्या है, भले चिंता हो जाए या और कुछ, डिप्रेशन है, फोबिया है, नर्वसनेस है, ओसीडी है, कुछ भी 15-20% लोगों को है। अभी डिप्रेशन का पेशेंट किस तरह से पेश आता है, अलग अलग तरह से मैं बता रहा हूँ। तो एक मैं भी डिप्रेशन के पेशेंट का आपको बताता हूँ कि मतलब डिप्रेशन कैसा प्रेजेंट करेगा, ये कुछ भी बोल नहीं सकते। वो बॉडी में कोई भी पार्ट में से प्रेजेंट करेगा। अभी देखिए, ये एक 35 साल का व्यक्ति है, इन्होंने बोला है कि कमर से लेके गले तक पूरा टाइटनेस लगता है और बाएं बाजू लगता है, पेट साफ नहीं होता, कमर बहुत टाइट रहती है, पेट में की आंत जो है वो हरदम दुखती रहती है, पेट साफ होता नहीं। सब रिपोर्ट निकाले हैं, सब रिपोर्ट नॉर्मल है, दवाई लिया तो प्रॉब्लम और बढ़ता है, खाना खाया तो अन्नपचन होता नहीं है, वजन कम हो रहा है, भूख लगती नहीं है, पेट साफ होता नहीं है, और संडास करने के, लैट्रिन करने के समय पेट में के आंत जो है वो ऐसा लगता है कि सूजे हुए हैं, फूले हुए हैं। रात को खाना खाने की इच्छा होती है, मगर रात में खाना खाया तो पेट कड़क हो जाता है, पेशाब साफ नहीं होती है, और फिर नींद नहीं आती है। ये अचानक शुरुआत हो गई, कोई कारण नहीं, 8-9 साल से इनको तकलीफ है। सब रिपोर्ट निकाल लिया और सब नॉर्मल है पूरे के पूरे। तो ये मिक्स पिक्चर है, पिक्चर है IBS का भी है, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम का भी पिक्चर है, डिप्रेशन भी है, मिक्स पिक्चर है। सब तरह की उन्होंने IBS की भी दवाई लिया, डिप्रेशन की भी लिया, मगर कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। मैं इनको ट्रीटमेंट दिया, एंटी डिप्रेशंस जरा ज़्यादा मात्रा में देना पड़ा, और उनको हिप्नो काउंसिलिंग किया, उनको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से रीप्रोग्रामिंग किया, और काफ़ी फ़ायदा इनको करीब करीब 1-1.5 महीने में हो गया। फिर दूसरे 20 साल के हैं, इनको ऐसा लगता है कि पेट में गैस हो रहा है, पेट बहुत ही फुला हुआ है, और पूरी बॉडी में ऐसा बहुत जड़त्व आया हुआ है, जड़ हो गई है, आँखों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, भूख लगती नहीं है, और थकान जैसा लगता है, चमड़ी बहुत सूखी सूखी लगती है, चेहरे के ऊपर तजेला नहीं है, पेट में ऐसा लगता है कि धक 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 हो रही है। 5 साल पहले एक लड़के के साथ में झगड़ा हुआ था, वो लड़के ने मारा था इसको, और तब से ये प्रॉब्लम चालू हो गया। मतलब एक प्रकार का एक कंडीशनिंग हो चुका है, एक एंकरिंग हो चुका है NLP के भाषा में, और तब से उनको ये प्रॉब्लम हुआ है। तो मैंने उनका डी कंडीशनिंग किया, NLP, हिप्नोसिस, इसके बाद में दवाइयाँ, ऐसा सब करके इनको काफ़ी फायदा हो चुका। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये दोनों भी मैंने जो बताया, ये डिप्रेशन के है और कॉम्बिनेशन में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के भी है, मतलब वो भी लक्षण है, और दवाई से, हिप्नोथेरेपी, NLP से अच्छे हो सकते हैं, मगर लोग साइकेट्रिस्ट के पास में जाते नहीं है। साइकेट्रिस्ट बोले तो क्या मैं पागल हो गया क्या, मुझे नहीं जाने का है, मुझे कुछ वैसा हुआ नहीं, ऐसा बोलते रहते हैं और सफ़र होते रहते हैं। तो आप अपने काउंसिलर को कांटेक्ट कर सकते हैं, साइकेट्रिस्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे यदि आपको प्रॉब्लम है तो आपका इलाज हो सकता है। हमारे नंबर नीचे दिए हुए हैं, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल संभव है, आप मेरे से बात करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।